हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है ना, वो 11:30 या फिर 12 बज रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। और यहाँ पर अभी सुबह ना मैं आशी और थिया को स्कूल छोड़ने गई थी ना, तो वहीं पर उनके स्कूल के पास ही गड़ी कैंट, मतलब गड़ी पड़ता है, गड़ी में सब्जी मंडी ये लगती है वहाँ पर। अगर आप लोग यहाँ से हो तो आपको ज़रूर पता होगा। तो वहाँ पर मॉर्निंग में ही सब्जी मंडी मतलब लगना स्टार्ट हो जाता है, और फिर दिन और शाम को तो वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन मॉर्निंग में इतनी भीड़ नहीं होती क्योंकि वहाँ पर वो स्टार्ट ही कर रहे होते हैं। तो आलू प्याज ना वहाँ पर काफ़ी अच्छे प्राइस में मिलता है। मतलब एक बार मम्मी और मैं लेकर आए थे, तो हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही, मतलब कभी गए थे तो तब हम लेकर आए थे ना, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे प्राइस था। और प्याज हमने काफ़ी दिनों से खाए नहीं है, तो प्याज का रेट मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था, मम्मी को भी बिल्कुल था नहीं कि प्याज का रेट कितना हो गया है। तो यहाँ पर हमने पूछा भी नहीं था, तो मैं वहाँ से लेकर आई तो 40 रुपये किलो प्याज था वहाँ पर। तो थोड़ा सा बड़ा वही रेट है, मतलब पहले मेरे ख्याल से 30 था शायद, 25 या 30, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन एकदम से प्राइस, फिर मैंने वहाँ पूछा भी कि भैया कितना है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी दिनों से खाया नहीं तो अंदाज नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं इतना तो नहीं था, लेकिन अभी हाल ही में कुछ इतना ही रेट हुआ है इसका। तो प्याज आप देख रहे हो जो सबसे ऊपर वाली बास्केट में ना, वो पहले के हैं क्योंकि हमने खाया ही नहीं है प्याज, तो बचे हुए थे। तो मैं 2.5 किलो प्याज लेकर आई थी और 2.5 किलो ही मैं आलू लेकर आई थी, पहाड़ी आलू। और ये पहाड़ी आलू ना ऐसे आ रहे हैं ना आजकल, पहले नहीं आते थे पहाड़ी आलू ऐसे, लेकिन अभी जो पहाड़ी आलू आ रहे हैं ना बिल्कुल काले, इतनी काली मिट्टी इसमें लगी हुई है कि समझ ही नहीं आता है कि जानबूझ के मिट्टी लगा रखी है कि क्या कर रखा है। क्योंकि पहले पहाड़ी आलू इतने मतलब गंदे मीन्स कि इतने काली मिट्टी में कभी नहीं आते थे, मिट्टी होती थी लेकिन ऐसी नहीं होती थी। इसने तो हाथ इतने काले कर देता है, ऊपर से निकालने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आलू मैंने रख दिया है, सबसे ऊपर मैंने ना प्याज रखे हैं वो वाले जो पहले के हैं, क्योंकि पहले हम उन्हीं को यूज़ करेंगे क्योंकि काफ़ी पहले के हो गए हैं वो इसलिए। और बीच वाले मैंने रख दिए जो अभी नए लेकर आई हूँ। लहसुन एक छोटी सी बास्केट है मैंने रख दिए हैं, और इस बड़ी बास्केट में ना बहुत सारी यहाँ पर पॉलीथीन हो रखी थी वो मैं रख रही हूँ। और एक दो जैसे कट्टे नहीं होते हैं चावल के या फिर आटे का, बस एक दो ही मैंने रखे, बाकी हम लोग फेंक देते हैं क्योंकि इतना यूज़ इनका होता नहीं है। सिर्फ एक दो इसलिए रखें कभी ज़रूरत पड़ जाती है ना इनकी, इसलिए तो वो रख दिए हैं। और यहाँ पे गार्बेज बैग हैं ये रख दिए हैं मैंने, तो क्योंकि इधर तो उधर हो रखे थे इस वजह से। तो जो छोटी छोटी पॉलीथीन है वो भी मैं रख रही हूँ, क्योंकि शाम को क्या होता है ना, गाय को रोटी वगैरह देनी होती है या कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो मिलते नहीं है, इसलिए इनको हम एकदम से फेंकते भी नहीं है। गाय को रोटी मीन्स की ले जाने के लिए हो जाता है ना इसमें, इस वजह से। तो बस यहाँ पर टेबल बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी क्योंकि वो प्याज के छिलके लहसुन के छिलके हो गए थे, इसलिए तो सब वो साफ़ कर दिया है मैंने। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, लेकर आई हूँ दाल बची हुई थी बहुत सारी, तो वो मैंने लेकर आई हूँ क्योंकि इसको तड़का लगाऊंगी मैं। और यहाँ पर आप ये फ्रूट्स देख रहे हो पॉलीथिन में ना, ये छठ पूजा में ही जो अनीता आंटी है ना उनकी बेटी लेकर आई थी, तो हम लोगों ने उस टाइम खाए नहीं थे। और वैसे भी ऐसे कफ कोल्ड जैसा हो रहा है ना, तो फिर ये खाया नहीं गया क्योंकि ठंडा होता है। तो अभी मैं इसको वॉश कर रही हूँ। इनके साथ ना प्रसाद भी मिक्स था ना, तो वो मीठे से ना चिपचिपा सा हो गया था, तो मैं इन सभी को वॉश कर रही हूँ। और जो केले वगैरह हैं ये भी मैं वॉश करके रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये वॉश करके रख दिए हैं, और ये छठ पूजा का है जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, तो अब हम इसे खा सकते हैं। तो इसे अच्छे से वॉश कर दिए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा हमने छुपा के भी रखे ताकि बच्चों के पास ना जाए ना, क्योंकि बच्चे इतना समझ नहीं पाते हैं इसलिए। और ये टमाटर आप देख रहे हो इतने अच्छे टमाटर हैं, बिल्कुल रेड रेड, ये मैं वहीं से लेकर आई हूँ। बहुत मतलब ये 40 रुपीज़ केजी मिले हैं, लेकिन इतने रेड हैं बहुत अच्छे, इसलिए मैं लेकर आ गई थी। और ये पालक तो पापा ने रात को ली थी, तो इसलिए थोड़ा सा मुरझा गई है क्योंकि रात को तो फ्रेश थी, लेकिन वॉश नहीं करा इसको और अगले दिन ऐसे हो जाता है। तो हरी सब्जी तभी ठीक रहती है जब हम इसे खाएं ना, नहीं तो फिर ऐसे मुरझाने लग जाती है। तो अभी इसे वॉश वगैरह करके कट कर देंगे, देखते हैं सब्जी, सूखी सब्जी वगैरह बना देंगे। और यहाँ पर ये है करेले, मतलब हम लोग इसको पहाड़ी करेले बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो बताना। इसको मीठा करेला भी बोलता है कोई कोई ना, हम लोग पहाड़ी करेला बोलते हैं। तो ये लेकर आई हूँ, ये भी अच्छे मिल रहे थे वहाँ पे ना, सब्जी बहुत फ्रेश मिलती है, थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन फ्रेश मिलती है। तो मैं बस ये लेकर आई थी, मेन वही था कि आलू प्याज लाना है, तो बस यहाँ रख दिया है। थोड़ा सा पानी वगैरह वो निकल जाए ना इसलिए। मैंने दाल जो है बाहर निकाल दी, एक्चुअली कल ना मेरे से बहुत ज़्यादा दाल बन गई, पता नहीं कैसे इतनी दाल, आप देख रहे हो
हम लोगों ने सबने खाया, उसके बाद भी इतनी दाल क्यों हो गई मुझे समझ नहीं आया। तो फिर अब ऐसे इसको बस तड़का लगाऊंगी और यही हम लोग खाएंगे आज, इसलिए कुछ और नहीं बना रही हूँ, नहीं तो प्लान था कि झोली बनेगी। और यहाँ पे लोहे की कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है, गरम इसलिए कर लिया है ताकि हाँ तो गरम इसलिए करा है ताकि इसमें जंग ना लगे। और सच्ची में ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, इसको ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वॉश करने के बाद तुरंत इसको गर्म कर दो ना, पानी इसका हटा दो, तो ये बिल्कुल ऐसी रहती है जैसे भी आपको दिख रही है। तो इसे गर्म कर दिया, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे रख दूँगी। तो बस ये हो गया है। तो बस वहाँ पे मुझे कुछ आज ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि लंच ऐसे बनाना नहीं है खास, दाल बची हुई है उसी को तड़का लगाना है। तो अभी कुछ ऐसे मुझे काम था नहीं, तो यहाँ पर आशी और सिया की जो बास्केट है ना कपड़ों की, इसमें इनके डेली मतलब जो डेली वेयर वाले होते हैं ना कपड़े, वो मैं रखती हूँ। अभी मैं इनको हटा रही हूँ कपड़ों को, क्योंकि जो सर्दियों में ये नहीं पहनेंगे ना, वो सारे हटा रही हूँ। जैसे टी शर्ट हो गई, फ्रॉक्स हो गई, और इनके शॉर्ट्स हो गए, वो सब मैं हटा रही हूँ यहाँ से। क्योंकि सिया का क्या है ना, ये जितनी बार शॉर्ट्स देखती है ना, ये एकदम से पहनती है, तो अगर इसको मैं हटा ही दूंगी ना, तो ये पहन ही नहीं पाएगी। उसको तो गर्म ठंडा लगता ही नहीं है सिया के साथ, पता नहीं क्या है। बच्चे मतलब एक बच्चे खेलते कूदते रहते हैं ना, तो इनको गर्मी लगती है, लेकिन हमें लगता है कि इनको ठंडा लगेगा, और लगता भी है ठंडा, बच्चों को तो एहसास नहीं होता है ना। तो इसलिए आज मैंने सारे जो भी कपड़े सर्दियों में अब नहीं पहनेंगे ना, वो मैंने हटा दिए। सारे तो नहीं हटाए हैं, मतलब आप लगा लो 20% कपड़े जो यहाँ पर मुझे दिखे हैं वो मैंने हटा दिए। बाकी तो बहुत सारे वॉश करे हुए हैं, बहुत सारे दूसरी अलमारी में, मतलब कपड़े तो बच्चों के बहुत सारे ही हो रखे हैं, तो मैंने हटा रही हूँ और अभी मैंने छाट दिए हैं। और अभी मुझे बेड में से कपड़े भी निकालना है, जो कि बहुत बड़ा काम है जो अब स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ ही दिनों में वो कपड़े भी सुखाने के लिए डालने पड़ेंगे, बेड में से भी कुछ भी नहीं सुखाए हैं इस वजह से। और उसमें से कुछ कपड़े तो मैंने ऊपर ऊपर देख लेते हैं कि जो सिया पे आएंगे ही नहीं ना, वो मैं किसी को दे दूंगी। यहाँ पर एक बच्ची रहती है जिनको मैंने पहले भी दिए थे सिया की फ्रॉक्स वगैरह, तो उनको ही मैं दे दूंगी। सिया की बहुत सारी जीन्स हैं, जैकेट्स हैं जो उस पर नहीं आ रही है ना, तो मैं उस बच्ची को दे दूँ, क्योंकि वो ना यहाँ पर पहन के भी घूमती है सिया के जो ड्रेसेस वगैरह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसको दे दूँगी वो। करेले देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखो। आप भी बोलते होंगे पूजा जब भी छत में आती है तो करेले दिखाती है, लेकिन ऐसे देखने को कहाँ मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं ना। तो ये देखो ये इतना बड़ा हो गया, लेकिन अभी मैं इनको तोड़ूंगी नहीं। मैं मुझे है कि जब सारे एक साथ हो जाएंगे ना बड़े, तभी मैं इनको तोड़ूँ। ये देखो कितने नुकीले हो रखे हैं, बहुत अच्छे। और ये छोटे छोटे से बच्चे, ये और भी लगे हैं करेले, एक साथ ही तोड़ेंगे इन्हें। ये देखो फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही बड़े लगते हैं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं है, लेकिन ये वाला तो काफ़ी बड़ा है। और ये देखो ये भी बहुत बड़ा हो गया है। ये देखो एक साथ इनकी सब्जी बनेगी एक ही दिन जब मैं इनको तोड़ूंगी। एक ये है और एक ये इतना बड़ा करेला यहाँ पे हो रखा है। तो बहुत सारे करेले हो रहे हैं, बस बंदरों की वजह से थोड़ा सा रह नहीं पाते हैं। ये हो रखे हैं, और बेल काफ़ी लंबी जा रही है यहाँ से यहाँ तक और वहाँ तक चलेगी, मतलब कपड़े सुखाने के लिए भी कम पड़ जाएगा। अब लगा आज मौसम बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रखा है, धुंध धुंध सा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। धूप बहुत कम है आज, धुंध जैसी हो रही है, पता नहीं क्यों। और ये हमारा किचन गार्डन, आंवले का पेड़ देखो कैसा हो गया। ये इसमें करेले की बेल थी ना, इसलिए ये ऐसा हो गया। तो मैंने चावल जो हैं वो चढ़ा दिए हैं, और यहाँ पे ना अभी मैं कैंडी को उसके कपड़े पहना रही हूँ। तो बाहर ना आज धूप काफ़ी कम है, ठंडा जैसा लग रहा है, तो मुझे लगा इसको ना ठंडा लगे, क्योंकि ये ना वैसे तो इसके बाल हैं, लेकिन ये क्या करता है ना कि कहीं पे भी इसका बेड लगा दो, या इसके लिए हम लोग बिछा देते हैं बैठने के लिए, लेकिन ये उसमें बहुत कम बैठती है, नीचे ऐसे फर्श में बैठी रहती है, तो हमें लगता है कहीं ठंडा ना लग जाए ना, इसलिए आज मौसम भी ऐसे था। तो मैंने कहा मैं इसे कपड़ा पहना देती हूँ, फिर चाहे ये ज़मीन पर भी लेट जाए तो कोई नहीं। तो बस इसने आराम से कपड़ा पहन लिया, पहले ना ये काटने आती थी कपड़ा पहनते हुए, इसको समझ नहीं आता था मुझे क्या पहना रहे, लेकिन अभी ये बहुत खुश होती है कि समझ जाती है मुझे कपड़ा पहना रहे हैं। तो इसको कपड़ा मैंने पहना दिया था, और अभी डायरेक्ट मैं आपको शाम को मिल रही हूँ, जैसे कि आप मौसम बाहर देख ही रहे होंगे। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा इस वजह से, तो शाम को सीधा मिल रही हूँ और पर्दे वगैरह लगा रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि सिया यहाँ बैठे कि पढ़ने के लिए, और वैसे भी यहाँ शाम को पर्दे लगाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इतनी मतलब तीखी वाली हवा आती है ना, अभी तो फिर भी इतना वैसा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद बहुत भयंकर वाली हवा चलती है यहाँ पर, तो इससे काफ़ी अच्छा तो जाता है। तो बस शाम को पर्दे लगाना अब ज़रूरी हो गया, पहले तो सर्दियों में हम खोलते थे ना, गर्मियों में सॉरी, कि हवा आए, लेकिन अभी हवा को रोकने के लिए काम करना पड़ता है। तो बस ये अब यहाँ पर होमवर्क करने बैठ जाएगी, और मैं अब सब्जी की तैयारी करूँगी। तो मैं जो मैंने आपको मॉर्निंग में पालक दिखाई थी ना, वही पालक मैं साफ़ करूँगी,
और जो भी दिन का है, जैसे थोड़ा थोड़ा वो बच जाता है चावल, या फिर थोड़ा सा दाल हो गई, या फिर आटा बच जाता है, वो सब मैं अभी बाहर निकाल देती हूँ ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और यहाँ पर मैं पालक लेकर आ गई हूँ, और पालक ना इतनी मुरझा गई है ना, आपको क्या बताऊँ। तो ये ना हरी सब्जी में होता ही है कि थोड़ा सा ना ये मुरझा जाती है। अली हमने ये कली थी लेकिन मुरझा सी गई, इसको साफ़ करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर जो फ्रेश रहती है ना फटाफट से सब कुछ दिखता है, तो लेकिन ये मुरझाई भी रहती है ना, इसमें पत्ते अंदर घास वगैरह भी रहती है, देखने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा साफ करूंगी, उसके बाद वॉश करूंगी, और फिर आलू और इसकी सब्जी बनेगी आज। और इसके अलावा ना लौकी भी बनाई थी मम्मी ने, तो लौकी तो हम लोग खा लेते हैं, लेकिन पापा को लौकी इतना पसंद नहीं आती, बच्चे भी लौकी इतना पसंद नहीं करते हैं, तो वो हरी सब्जी खा लेंगे, उनके लिए हरी सब्जी मतलब हो गई थी काफ़ी ना। और बस यही हमारा आज का डिनर रहेगा, और अब तो हरी सब्जियां खैर खूब ही आएंगी, क्योंकि अब सर्दियां, सर्दियों में तो हरी सब्जियां आपको पता ही है बहुत सारी होती हैं, और खानी भी चाहिए क्योंकि इसमें आयरन बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है इसलिए। और मैंने भी ना स्वेटर पहन ली है, क्योंकि अब मॉर्निंग में और शाम को ना ठंडा होने लगा, और ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो काफ़ी ठीक है, लेकिन अभी 2-3 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, कफ एंड कोल्ड, और उसके साथ ऐसा लगता है कि हमें फीवर जैसा भी अंदर से। तो मेरे को ना कुछ ऐसे ही हो रहा था, पता नहीं क्यों, मतलब मैं व्लॉग्स बना रही हूँ क्योंकि मेरे को था कि व्लॉग्स मैं छोड़ू ना, और लेटे लेटे अजीब सा ऐसा लगता है कि हम और बीमार हो गए हैं। तो अपना काम भी करते रहो तो एक्टिवनेस भी रहता है, और मतलब काम ऐसे कुछ हमारा खास रहता नहीं है, काम आप देखते हो जो मैं आपको दिखाती हूँ वैसे ही कुछ काम रहता है, एक दो एक्स्ट्रा रहता होगा, और मम्मी तो साथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करा ही देती हैं, तो ऐसा पता नहीं चलता है। लेकिन वो ये कि एक प्रॉपर लेट जाओ ना बिस्तर में, वो फिर बहुत और बीमार जैसा फील होता है। तो बस सब्जी आटा वगैरह गूंदने के बाद मैं थोड़ा सा फिर भी लेट ही गई थी, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे अच्छा से अंदर से फील हो रहा था कि मुझे फीवर है, फीवर है, तो इस वजह से। लेकिन इस बार मैंने बिल्कुल सोच रखा था मैं दवाई नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने जितनी बार दवाई खाई है ना, उस दवाई से क्या हुआ कि उसने मेरी मतलब जैसे जुकाम खांसी ना रोक दी एक ही दिन में, और वो फिर क्या है वो अंदर दब गया एकदम से, हटा नहीं वो, तो इसलिए मुझे हर बार जो है खांसी जुकाम हो रहा है। इस बार मैंने सिर्फ काढ़ा और गारगर यही सब मैं ले रही हूँ, इसके अलावा दवाई मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ इस बार। तो बस यहाँ पर अभी मैंने सब्ज़ी धो दी है अच्छे से, उसको सुखा मतलब सुखा दे, क्या दिया पानी उसका निकाल दिया था, और अभी मैं इसको कट कर रही हूँ। इसके सब्जी बनेगी, और पालक की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, पहाड़ी पालक होना तो और अच्छा लगता है, लेकिन देसी पालक भी अच्छे ही होते हैं, अभी आजकल पहाड़ी पालक थोड़ा सा कम ही दिख रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अभी जो आलू है थोड़े से फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि पहाड़ी आलू एकदम से गल जाते हैं इसलिए, और इसमें चखिया जीरा मैंने ऐड कर ही दिया है, तो बस ये सब्जी बन जाएगी। और बस इसके आगे ना मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ऐसे अजीब अजीब सा होने लग गया था जुकाम में, आप सब समझते हैं जिनको कोल्ड होता है उन्होंने वो समझ सकते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे फीवर जैसा लगता है, तो फिर मैंने व्लॉग जो है इसके आगे कंटिन्यू नहीं करा। और आप सबसे मैं मिलूंगी अपने नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता है कि मुझे कफ कोल्ड हो रहा है, तो मुझे अजीब सा लगता है कि जब भी आप लोग सोचते होंगे पूजा हर बार हर महीने यही रटती रहती है कि मुझे कफ कोल्ड हो रहा है, कफ कोल्ड हो रहा है, तो लेकिन वो ये थोड़ा सा तबीयत मेरी आजकल थी, लेकिन अभी टच वुड मैं ठीक हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी आप सबसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।